नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डीसी की जस्टिस लीग नो जस्टिस का फोर्थ एंड फाइनल एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चारों टीम्स ब्रेनियाक के बनाए हुए प्लान से चलते हैं और वे चारों टीम उन चारों कॉस्मिक ट्री के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब वे कॉस्मिक गॉड अर्थ पे आ रहे हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम ग्रीन लैंटर्न्स को देखते हैं जो सोर्स वॉल के सामने खड़े थे। तभी जॉन हैल से कहता है कि मल्टीवर्स खत्म होते जा रहा है, उसकी एनर्जी लीक हो रही है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, पर हम मिलकर अपनी पावर से इसे स्लो कर सकते हैं। जिस पर हैल कहता है कि हम ये करेंगे कैसे, इसे रोकने का कोई तरीका होगा। लेकिन तभी हैल को ग्रीन एरो का सिग्नल मिलता है जो ग्रीन एरो ने पिछले एपिसोड में भेजा था। तभी हैल ग्रीन एरो से कहता है कि मैं अभी एक काम में बिजी हूँ, लेकिन तभी ग्रीन एरो कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि स्पेस से कुछ गॉड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं। तभी हमें ओमेगा टाइटंस दिखाई देते हैं जो अर्थ के पास थे। तो वही अर्थ पे अमांडा वॉलर और ग्रीन एरो ये सब कुछ देख रहे थे। तभी अमांडा कहती है कि हमें बेलीरियस जाना होगा और बड़े हथियार ढूंढने होंगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम प्लैनेट कोलू देखते हैं जो टाइटंस ने खत्म कर दिया था। तभी सारे हीरोज एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी हार्ली क्विन कहती है कि अब इनके पास कोई घर नहीं है, जिस पर फ्लैश कहता है कि हमें जो करना था वो हमने किया और हमने उन्हें समय दिया यहाँ से जाने के लिए। तो वही स्टारफायर रेवन से कहती है कि टैमरन के साथ और भी प्लैनेट्स आजाद हो गए हैं, तो इसलिए रोना मत। लेकिन रेवन कहती है कि उसे स्टारों की चीखें सुनाई दे रही है। तभी वंडर वुमन कहती है कि विजडम टाइटन यहाँ से गायब हो चुका है। तभी वे लोग तय करते हैं कि इस शिप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अर्थ के पास ले जाए। तभी सुपरमैन साइबॉक से कहता है, क्या तुम इस शिप को ठीक कर सकते हो? जिस पर साइबॉक कहता है कि वो नहीं कर सकता है। लेकिन ब्रेनियाक, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है हमारी मदद करने का? जिस पर ब्रेनियाक 2.0 कहता है कि मदद, जरा खिड़की के बाहर देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा, क्योंकि मुझे तो यहाँ से पूरी यूनिवर्स में केओस नजर आ रहा है। जो वर्ल्ड्स तुमने आजाद किए हैं कोलू की यूनिवर्स से, वो अपने नेचुरल साइज में आ रहे हैं। कॉस्मिक सिविलाइजेशन जो युगों से है उनमें भी बदलाव होने वाला है, क्योंकि नए प्लैनेट्स जो आ गए हैं। मेरी एंटायर रेस जो सबसे नोबल और एंशंट है इस यूनिवर्स में, वो कम हो गई है। मुझे हमेशा लगा कि मेरे पिताजी तुम लोगों के बारे में गलत थे, पर तुम लोगों की अभी आंखें खुल गई है और मेरी भी। ओमेगा टाइटन शांत थे युगों से, लेकिन आज तुम्हारे कारण वो लौट आए हैं। तो क्या मैं ये शिप ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इसमें ब्रेनिया की प्रोग्रामिंग है। पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तुम लोग इसके लिए लायक ही नहीं हो। तभी साइबॉक कहता है कि व्रिल, तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और अर्थ को बचा सकते हो। जिस पर ब्रेनिया 2.0 कहता है कि नहीं, मेरे पास वो है जिसके लिए मैं यहाँ आया था, जिससे मैं वो डेटा ले सकता हूँ जो तुमने मेरे पिताजी से छीना था। डेटा मिलने के बाद मैं तुम्हारे अर्थ के डेथ की स्पीड बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं हूँ ब्रेनियाक 2.0 और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने नाम के हिसाब से जीऊँ। ये कहते ही ब्रेनियाक वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ये देखकर साइबॉक चिल्लाता है कि व्रिल, रुक जाओ। जिस पर मार्शन साइबॉक से कहता है कि शांत रहो और अब हमें मिलकर कुछ करना होगा। यहाँ अर्थ पे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर ट्री मिस्ट्री आ गई थी, इसलिए सुपरगर्ल उसकी जांच करने आती है और साथ ही सुपरगर्ल को ग्रीन एरो का सिग्नल भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेनियाक 2.0 आ जाता है और सुपरगर्ल पे अटैक करता है, जिसके कारण सुपरगर्ल कमजोर पड़ जाती है। तभी ब्रेनियाक 2.0 उस पेड़ के पास आता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े इस पेड़ को जिंदा करने के लिए, मैं वो करूँगा और अर्थ के उन सारे लोगों को उलझा के रखूंगा और सारा डेटा इकट्ठा करूंगा और फिर अर्थ को टूटते हुए देखूंगा। फिर हम बेलीरियस देखते हैं, जहां पर ग्रीन एरो और अमांडा आ चुकी थी और वहां पर एंट्रोपी ट्री आ चुकी है। तभी अमांडा कहती है कि उसे जनरल लेन
और प्रेसिडेंट से बात करनी है और परमिशन लेनी है न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप करने की, और ग्रीन एरो को अरेस्ट करवा लो क्योंकि इसके कारण ये कॉस्मिक गॉड यहाँ आ गए हैं। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि पागल मत बनो और मुझे अरेस्ट मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेनियाक 2.0 आ जाता है और अमांडा से कहता है कि तुमने मेरे पिताजी को मारा है, उसके लिए शुक्रिया। ये कहते ही ब्रेनियाक 2.0 अमांडा पे अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेल जॉर्डन आ जाता है और ब्रेनियाक को एक पंच मारता है, और हम देखते हैं कि हेल के साथ साथ बाकी ग्रीन लैंटर्न्स भी आ चुके थे। तभी ब्रेनियाक 2.0 कहता है कि मेरे पिताजी जैसा कोई बेरहम उन्हें मार सकता है। ये हीरोज सबको बचाते हैं और जस्टिस का नाम देते हैं, पर तुम और मैं जानते हैं कि जो ब्रेनियाक ने किया था वो केओस लाएगा, और ये देखो ट्री एंट्रोपी ने ये साबित कर दिया है। मैंने स्पीड को बढ़ा दिया और वो बहुत बड़ी होती जा रही है। तभी हम देखते हैं कि ट्री एंट्रोपी बड़ी होती जा रही थी। तभी अमांडा डेटोनेटर निकालती है और कहती है कि अब इस यूनिवर्स में कोई जस्टिस नहीं है, और ये कहते ही वो डेटोनेटर दबाने वाली ही थी कि तभी वहां पर टीम एंट्रोपी आ जाती है और बैटमैन कहता है कि हम ट्राई करते रहेंगे। तभी बैटमैन एंट्रोपी ट्री को चेक करने लगता है और साइबॉक्स से कहता है कि जल्दी सारी टीम्स को उनके ट्री के पास भेजो। तभी ब्रेनियाक 2.0 हंसने लगता है। तभी बैटमैन अपनी टीम से कहता है कि ब्रेनियाक 2.0 ने पेड़ की स्पीड बढ़ा दी है, वो भी ब्रेनियाक के टैग से। हमें किसी भी हाल में वो डिवाइस को ऑफ करना होगा। तो वही बाकी के टीम्स उनके ट्री के पास पहुंच जाते हैं। तभी साइबॉक्स कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा जिसने ब्रेनियाक को हैक किया था और डेटा चोरी किया था। जिस पर ग्रीन एरो साइबॉक्स से कहता है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ वो डेटा किसने चुराया है। ये कहते ही ग्रीन एरो अमांडा से कहता है कि वो डेटा साइबॉक्स को दे दो, और अमांडा भी मान जाती है और साइबॉक्स को वो डेटा दे देती है। जिस डेटा में घुसते ही साइबॉक्स सब कुछ जान जाता है और कहता है कि ब्रेनियाक 2.0 ने अर्थ पर रखे सीड को सुपरचार्ज किया है ताकि ओमेगा टाइटन यहाँ आ सके, लेकिन हम ऐसे एक सीड लेकर उस टाइटन का ध्यान भटका सकते हैं। तभी सारे हीरोज कॉस्मिक ट्री पर अटैक करते हैं। तभी साइबॉक्स कहता है कि एंट्रोपी ट्री पर एक फ्रूट आएगा जिसे खाने के लिए एक ओमेगा टाइटन आएगा, तो हेल तुम्हें वो जाकर फल लाना होगा। ये कहते ही हेल उस फल को ले आता है और साइबॉक्स को देता है। तभी साइबॉक्स कहता है कि ये तब से शुरू हुआ जब बैटमैन ने डार्क मल्टीवर्स के द्वार को खोल दिया था। तभी साइबॉक्स कहता है कि ये सीट तैयार है, अब बस इसे हर एक ट्री के पास ले जाओ और उस ट्री की एनर्जी से चार्ज करना होगा। ये कहते ही फ्लैश कहता है कि वो हर एक ट्री के पास जाकर इस सीड को चार्ज करवा सकता है, और ये कहते ही फ्लैश पहले वंडर ट्री के पास जाता है जहाँ पर वंडर वुमन उस सीड को छूते ही वो सीड चार्ज हो जाता है। फिर फ्लैश मार्शन के पास आता है जो इस सीड को छूते ही सीड चार्ज हो जाती है। फिर वहां से वो सीड लेकर सुपरमैन डेथस्ट्रोक के पास आता है और उसे वो सीड दे देता है, लेकिन वो चार्ज नहीं होता। तभी लेक्स लूथर उस सीड को ले लेता है और तब वो सीड चार्ज हो जाता है। तभी सुपरमैन साइबॉक्स से कहता है कि सीड चार्ज हो गई है, अब क्या करें। जिस पर साइबॉक्स कहता है कि हमें ये सीड एंट्रोपी वाले ओमेगा टाइटन के हार्ट में घुसानी होगी। तभी आगे साइबॉक्स समझाता है कि ये सीड इन ओमेगा टाइटन्स को न्योता देती है कि कौन सा प्लेनेट खाना है। ये सीड जब तक अर्थ पर रहेगी तब तक वो टाइटन यहाँ आते रहेंगे और इस प्लेनेट को खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमने ये सीड एंट्रोपी के अंदर डाल दी तो बाकी सारे टाइटन्स एंट्रोपी की ओर आकर्षित हो जाएंगे और उसे ही खाने जाएंगे, और इतनी एनर्जी खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वे लोग फिर कभी यहाँ आएंगे। तभी हेल जॉर्डन अपनी रिंग से एक गन बनाता है और उस गन के जरिए वो सीड को शूट करने वाला ही था, लेकिन तभी ग्रीन एरो उसे रोकता है और कहता है कि उसका निशाना तेज है। ये कहते ही हेल जॉर्डन एक बड़ा सा बो और एरो बनाता है और उस एरो के एंड पे सीड लगा देता है और फिर ग्रीन एरो शूट करता है। तब हम देखते हैं कि वो सीड निशाने पर लग चुकी थी और वो बाकी के टाइटन्स एंट्रोपी को खाने लगते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी सारे हीरोज अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मार्शन लेक्स के दिमाग में झांकता है, जिस पर लेक्स कहता है कि मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि इस यूनिवर्स के नियम को बदला जा चुका है और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सोर्स वॉल काफी ज्यादा टूट चुकी थी, तो वही बैटमैन और जेफरसन मिलकर कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तो वही जस्टिस लीग
फिर से शुरुआत करने लगती है। तभी वंडर वुमन और रेवन वंडर ट्री के पास आते हैं। तभी वंडर वुमन कहती है कि साइबॉक ने इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पेड़ जिंदा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इसे जिंदा रख रहा है। जिस पर रेवन कहती है कि वो चाहे जो भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे।